नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार के जयनगर से चलकर नई दिल्ली आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पिछले कई दिनों से राइट टाइम पर चलने लगी है। देरी होती भी है तो 2 मिनट, 15 मिनट या 40 मिनट की। इसके पहुंचने में जो देरी हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आई है। अभी भी यह ट्रेन 2 से 3 घंटे देर पहुंच रही है, लेकिन जो ट्रेन पिछले कई महीनों से समय से नहीं चली, जब भी चली 20 या 30 घंटे की देरी से चली, उसके बारे में टाइम पर दिखाया तो ये छोटा सा बदलाव आया। रविवार को जो दिल्ली से चली थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, वो ट्रेन 15 मिनट पहले इलाहाबाद पहुंची, जो रेलवे की वेबसाइट से पता चलता है। यात्री और दर्शक अब इस ट्रेन का ट्रैक रखने लगे हैं और बार बार बताते हैं कि ये ट्रेन अभी इतने समय से चल रही है, अभी लेट चल रही है। और उन्हें भी हैरानी हो रही है कि क्या वाकई रेलवे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को रोज समय से चलवा रही है। ये होता है दर्शकों की जागरूकता का कमाल और असर। आप यकीन नहीं करेंगे कि लेट चलने में कुछ ट्रेन का रिकॉर्ड भयानक है। क्या कोई ट्रेन 44 घंटे देर चल सकती है? रविवार यानी 6 मई को यूपी के गोंडा स्टेशन पर एक यात्री इंतजार करते रहे, पता चला कि ट्रेन 44 घंटे लेट है। यात्रा की तारीख तो 5 मई थी, मगर कई बार स्टेशन गए, फिर फोन करने लगे और अंत में पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। ये रेलवे की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जो यात्री ने के सहयोगी ने भेजा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि गोरखपुर देहरादून 44 घंटे लेट है और अब कैंसिल होती है। क्या आप ऐसी ट्रेन का इंतजार करना चाहेंगे जो 44 घंटे लेट चलती हो? यही एक ट्रेन नहीं है, रेल यात्रियों से बात कीजिए आप। 7 घंटे से लेकर 44 घंटे, कहीं कहीं 3 दिन की भी देरी बताते हैं। अब देखने में गलती हो सकती है, लेकिन इतनी देरी से चलने वाली ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से बात कीजिए, उनकी पीड़ा आप सुन नहीं पाएंगे। एक यात्री ने बताया कि जब तंग आकर आप टिकट कैंसिल कराते हैं, क्योंकि आप तय समय पर नहीं पहुंच पाते तो कई बार जाने का लाभ नहीं होता, तो जब आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो नुकसान होता है, और जब नई ट्रेन या बस का टिकट लेते हैं तो वो और जुड़ जाता है, यानी आपका खर्चा दोहरा हो जाता है। जिस तरह से प्राइम टाइम के बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समय पर चलने लगी है, क्या दूसरी ट्रेनों को भी समय से चलने का गौरव हासिल होगा? बिहार के अररिया जिले के जोगबनी से एक ट्रेन आती है दिल्ली के आनंद विहार, नाम है सीमांचल सुपर फास्ट। अब देखिए नागरिकता कैसे समाप्त हो गई है। इस ट्रेन में 1000 लोग चलते होंगे, लेकिन 1000 लोग की संख्या की कोई वक्त नहीं है। वो कभी मांग नहीं कर पाते, बोल नहीं पा रहे, आवाज चली गई है, उनका अभ्यास चला गया है नागरिक होने का। सीमांचल के यात्रियों से उनकी यात्रा का अनुभव पूछिए। शिवांक हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इस काम में थोड़ी मदद कर दी। eTrain.info नाम की एक वेबसाइट में सीमांचल सुपरफास्ट ट्रेन का नंबर 12488 डाला तो देखा कि पता चला कि यह ट्रेन 36 घंटे की देरी से चली है इस साल। यह ट्रेन पूरे साल इसी तरह लेट चलती रही, जबकि सुपरफास्ट है। पिछले एक साल में 323 दिन सीमांचल लेट चली है और 41 दिन कैंसिल हुई है, ये इसका रिकॉर्ड है। इसके लेट होने का औसत 10 घंटे है, अधिकतम 36 घंटे लेट है। 5 मई को जोगबनी से चली सीमांचल एक्सप्रेस 32 घंटे 36 मिनट की देरी से चल रही है। 5 से 7 मई हो गया, मगर जब हम चेक कर रहे थे उस वक्त ये ट्रेन अलीगढ़ ही पहुंची थी। 6 मई को जोगबनी से चलने वाली सीमांचल 12487 27 घंटे 20 मिनट की देरी से खुली। 7 मई को जोगबनी से चलने वाली सीमांचल 8 मई को रवाना होगी 16 घंटे लेट, अभी और इसमें वृद्धि हो सकती है। अगर सुपर फास्ट ट्रेन का ये हाल है कि वो 36 घंटे लेट चले, तो सोचिए यात्रियों का धीरज कितना गहरा होगा। वो ट्रेन में बैठकर कितनी साधना करते होंगे, राम राम जपते होंगे, दुआ और 10 तरह की चीजें करते होंगे, उनके भीतर कितना संतोष और संतुलन विकसित हो जाता होगा कि कुछ नहीं होने को लेकर। क्या रेल मंत्री पीयूष गोयल सारा काम छोड़कर सीमांचल एक्सप्रेस को समय से चलाने का चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं? अररिया से दिल्ली के बीच न जाने कितने सांसद होते होंगे, किसी ना किसी ने रेल मंत्री को पत्र भी लिखा होगा, ना लिखा होगा तो जनता ने उनसे जरूर शिकायत की होगी। पर यह ट्रेन एक साल से इस तरह लेट क्यों चल रही है? मेरा यकीन है कि अगर आप सही सवाल करेंगे तो रेल मंत्री सारा काम छोड़कर, जो मीडिया के अनुसार डायनेमिक भी हैं, वाकई सीमांचल एक्सप्रेस को समय से चलवा देंगे। इसके बाद हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वे पटना कोटा एक्सप्रेस को समय से चलवाएं। यही एक ट्रेन नहीं है कि एक चलवा के यार आप छवि बना लिया। हमारे सहयोगी मनीष और हबीब ने पटना स्टेशन पर देखा कि इस ट्रेन और यात्रियों का हाल क्या है। पटना रेलवे स्टेशन पर कोटा जाने वाले यात्रियों की तकलीफ का हाल लेने वाला कोई नहीं। ये भीड़ देखिए, पटना स्टेशन पर यात्रियों का रोज का यही हाल है। यह ट्रेन जब पटना से ही शुरू होकर चलती है,
जहां से शुरू हो रही है वहां से 21 घंटे की देरी से खुलने का तर्क समझ नहीं आता। प्लेटफॉर्म पर यात्री वहीं धूप और लू में चादर बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं। ये यात्री रोज अपने धीरज की परीक्षा लेते हैं कि आज वे कितने घंटे का इंतजार कर सकते हैं, क्या वो 20 घंटे इंतजार कर सकते हैं, उसमें पास हो जाते हैं। इस ट्रेन से कोटा जाने के लिए बिहार भर से यात्री पटना पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं। किसी का क्लास छूट जाता है तो किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है। माँ बाप और छात्र सब छटपटाते रहते हैं कि कोई इनकी ट्रेन राइट टाइम चलाकर दिखवा दे। प्राइम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि रेल मंत्री सारा काम छोड़कर कल से ही पटना कोटा एक्सप्रेस राइट टाइम चलवा दें, ताकि एक ट्रेन पर मुझे 20 दिन प्राइम टाइम ना करना पड़े। देश में कितने सारे मसले हैं, लोग ट्रोल करते हैं कि इस पे नहीं दिखा रहा, उस पे नहीं दिखा रहा, लेकिन जब तक ये 10-20 ट्रेनें समय पर ना चलेंगी मैं इस टॉपिक से हटने वाला नहीं। उन्हें दो ट्रेन का जल्दी उद्धार करना होगा, एक पटना कोटा एक्सप्रेस का, दूसरा 36 घंटे चलने वाली सीमांचल सुपर फास्ट का। आइए अब हम आपको पटना कोटा एक्सप्रेस का कुछ रिकॉर्ड दिखाते हैं। 1 मई को चलने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस पटना से 21 घंटे लेट चली, कोटा 31 घंटे की देरी से पहुंची। 2 मई को 17.5 घंटे देर से खुली, 19 घंटे 50 मिनट की देरी से कोटा पहुंची। 3 मई को 9 घंटा 55 मिनट की देर से पटना से खुलती है, कोटा पहुंची 17 घंटा 20 मिनट की देरी से। 4 मई को पटना से 25 घंटे की देरी से खुली और कोटा पहुंची 28 घंटे लेट। 5 मई को पटना से 19 घंटे 40 मिनट देरी से खुली और खबर लिखने तक ये ट्रेन रास्ते में थी। क्या रेलवे में कोई भी ऐसा है जो पटना कोटा एक्सप्रेस और सीमांचल को चलवाकर समय पर दिखा सकता है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की तरह, ताकि छात्रों को परेशानी ना हो? इसका मतलब यह नहीं कि हमें दिखाने के लिए दो ट्रेन सही से चला दिया, बाकी ट्रेन और लेट हो जाएं। हम लेट होने वाली ट्रेनों पर सीरीज करेंगे। अब आप पटना कोटा एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों की व्यथा सुनिए। क्या पता रेल मंत्री तुरंत सारा काम छोड़कर इस ट्रेन को कल से ही समय पर चलवा दें, ये उम्मीद रखिए। ETrain.info के मुताबिक कोटा एक्सप्रेस 43 घंटे तक लेट हुई है, औसतन ये 14 घंटे लेट होती ही है। पिछले एक साल में सिर्फ 2 बार यह टाइम पर चली है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये अगले एक साल तक सिर्फ और सिर्फ टाइम पर चलेगी, क्योंकि पीयूष गोयल अगर चाहेंगे तो ये लेट नहीं हो सकेगी। कोटा पटना से जा रहे हैं, कल से झेल रहे हैं। मैं सामने आकर के देख करके गई इंक्वायरी में, पूछी इंक्वायरी में तो बोले 31 घंटा दिख नहीं रहा आपको, 31 घंटा लेट, लेकिन वहाँ पे 30 घंटा लिखा हुआ था, फिर मिटा करके उन्होंने वहाँ पे वन लिखा जीरो को मिटा करके। कोई बताने वाला नहीं है, ये कल वाली जो ट्रेन है अभी जा रही है, लोग आज टिकट लेके आज कल वाली ट्रेन में आज भी सफर करने को तैयार है, जबकि ये 4 तारीख का टिकट है उनका आज ट्रेन है, अभी बता रहे 12:30 बजे, अभी कोई टाइम टेबल नहीं, कब आएगी कब नहीं। लोग भूखे हैं, कुछ नहीं है, उनके पास खाने का नहीं है, 24 घंटे से ऊपर भी थे, कहाँ से आएंगे खाने के लिए, पैसे नहीं है, जो दूर दूर से आए उनके पास पैसे नहीं है, लौट के घर अपने चले जाए, दोबारा फिर वापस आ जाए। तक नहीं पता कि आज की ट्रेन जा रही है कल की ट्रेन जा रही है, और एग्जाम में अगर किसी बच्चा का एग्जाम छूटता है तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? तो टिकट है मेरा, कल का टिकट है, आज की टिकट है जो मैंने कैंसिल करवाया है, ये आज की टिकट है 5 मई की मैंने कैंसिल करवाया है, और आज तत्काल रिजर्वेशन 4 तारीख की टिकट मैंने आज लिया है। 24 घंटे फ्लाइट लेट हो गए दिखाए, 24 घंटे कोई ट्रेन लेट होता है कभी? 26 घंटे हो गए, अभी रेल मंत्री जी आके यहाँ 24 घंटे वेट करेंगे? 2 मिनट अगर उनका ट्रेन लेट हो जाएगा तुरंत कॉल करके बुलाएंगे ट्रेन कहाँ है मेरी। कल हम आ गए थे स्टेशन पे 7 बजे का टाइम जो दिया था टाइम कि 11 बजे आ जाना, तो हम 11 बजे आ गए थे, हमें ट्रेन मिली नहीं, फिर बोला 7 बजे आएंगे, 7 बजे भी ट्रेन नहीं आई, फिर हम लोग फिर क्या करते हैं, वो रात भर वहीं गुजारे, फिर दूसरे दिन बताया कि दूसरे दिन 7 बजे ट्रेन आई, फिर 7 बजे वही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, अभी तक फिर ट्रेन नहीं आई है, समझिए कितनी परेशानी हो रही है। कल से मैं 11:50 से बैठा हूँ, और कल 7 तारीख को बेटी का वहाँ एग्ज़ाम है, वो अकेले है, इसीलिए मैं लिया था 5 तारीख का कि 6 को पहुँचूँगा, 7 को एग्ज़ाम दिलाऊँगा साथ में जाके, वहाँ गार्जियन कोई है नहीं, कोचिंग कर रही है, इतनी परेशानी है कि रात भर यहीं रह गया स्टेशन पे, मेरा घर है गया से मैं यहाँ आया पकड़ने के लिए, और किसी ट्रेन में रिजर्वेशन मिला नहीं, और तत्काल में लिया, उसके बाद ये 2 दिन से भुगत रहा हूँ, अभी कब ट्रेन आएगी कोई पता नहीं, कोई रहने सहने कुछ नहीं, वेटिंग रूम में अपना नीचे बिछा के सोइए रात भर। बताइए ये हाल है यात्रियों की, आप टीवी का चरित्र समझिए, टेलीविजन ने धीरे धीरे आम लोगों को गायब कर दिया है, और एक चुनाव मिल जाता है उसके बहाने कोई लड्डू दिखाता है, कोई मछली दिखाता है, कोई पेड़ा दिखाता है, और केवल रैलियों का कवरेज होता है।
आप ज़मीन के हालात भी नहीं जानते, सर्वे होता है और इस तरह से आप टीवी के सामने बैठे बैठे आपकी दुनिया लूट जाती है और आप सोचते हैं कि आप जागरूक हो रहे हैं। रविवार को अमृत, ये मैं आपको समय से पहले बता रहा हूँ, दर्शक हैं आप इसलिए आप समझिए सोचिए। रविवार को अमृतसर जाने वाले एक यात्री ने बताया कि इंटरसिटी बंद होने से सचखंड एक्सप्रेस पर काफ़ी दबाव बढ़ गया। अब हमें यही नहीं पता किसी को कि इंटरसिटी एक्सप्रेस क्यों बंद हुई, उसका क्या नुकसान है। जैसे गोमती एक्सप्रेस लोग बताते हैं कि कई महीनों से बंद है, कारण नहीं मालूम। जनरल बोगी में यात्री किसी तरह लदा फदा के जा रहे हैं, कोई नीचे सो रहा है, कोई चादर बांधकर हवा में ऐसे लटका हुआ जैसे बच्चे को लिटाते हैं। जनरल बोगी से हमारे एक दर्शक मित्र ने मोबाइल से ही शूट कर, जनरल बोगी में वो सफर कर रहे थे और व्हाट्सएप पर वो मुझे भेज रहे थे कि ये हाल देखिए। इस वीडियो में एक आदमी दिखेगा जिसने हवा में चादर बांध दी है और उसी में बैठा सफर कर रहा है। अब आप इसको देखिए, महसूस कीजिए कि आप जनरल बोगी में जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं। फिर रेल मंत्री, डायनेमिक रेल मंत्री को याद भी कीजिए। आदमी की तरह सफर नहीं कर पा रहा। रेलवे चाहे तो इसी तरह का झूला लगा दे सीट की जगह, जो भी हवा में जगह बची है, ताकि वहां लोग बैठ जाए। कई बार लोग पूछते हैं जनरल बोगी वाले कि जनरल बोगी की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती है। यही तो बात पूछने लायक है। जब आप पूछेंगे तभी तो आपको जवाब मिलेगा। आप सरकार से कुछ पूछते ही नहीं, टेलीविजन पे केवल सर्वे देख रहे हैं 3 महीने से। कितनी बार सर्वे देखिएगा, कोई पार्टी जीत ही जाएगी, लेकिन ये रोज का जो आपका जो संघर्ष है उसका सवाल कब करेंगे आप? तो सोचिए, टीवी आपको बदल रहा है और आप तेजी से बदल रहे हैं। ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से धीरे धीरे हो रहा है और आपने आपकी नागरिकता आप समाप्त हो रही है, आप नागरिकता विहीन होते चले जा रहे हैं दर्शक के नाम पर। सोचिएगा मैंने जो कहा। कई लोग पूछते हैं कि पहले भी तो ऐसा था, ये बात सही है, पहले भी रिपोर्टिंग होती थी इस तरह से। हमारे ही सहयोगी परिमल और रवीश रंजन ने कई दफा त्योहारों के समय रेलगाड़ी के भीतर के हाल की रिपोर्टिंग की है। सवाल आज का भी होना चाहिए कि आज ये क्यों सारी इतनी सारी ट्रेनें इस हालात में, क्यों 36 घंटे की देरी से कोई ट्रेन चलनी चाहिए? क्या आम लोगों के वक्त की कोई कीमत नहीं है? आप रेल यात्रा के अपने अनुभवों को वीडियो रिकॉर्ड कर हमें भेजिए, हम आपका फीडबैक प्राइम टाइम के जरिए रेल मंत्रालय को देंगे। इस तरह से शूट कीजिएगा, ऐसे नहीं, इस तरह से शूट करेंगे तो सब आएगा। हम ये फीडबैक रेल मंत्रालय को देना चाहते हैं, क्योंकि ट्विटर से भी जा ही रहा है, पर ऐसे भी जाए तो शायद वो जल्दी अधिकारी एक्शन लें। कोई अधिकारी देख भी रहा होगा तो क्या पता ट्रेन सही पर चलने लगे, लोग आपका फायदा है। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो ट्रेन समय पर चलकर रहेगी। अब आप देखिए, ये चंपारण हमसफर एक्सप्रेस है, बिल्कुल ये ट्रेन बाहर से इसका रंग वंग देखिए, एकदम ब्रांड न्यू ट्रेन है। पिछले महीने लॉन्च हुई है चंपारण सत्याग्रह के मौके पर। नाम चंपारण एक्सप्रेस है, शुरू होती है हफ्ते में 2 बार बिहार के कटिहार से और दिल्ली तक आती है। 1 महीने भी नहीं चली कि लेकिन अब यह ट्रेन पुरानी जैसी हो गई है, लेट होने लगी है। 1 महीने के भीतर यह ट्रेन 10 से 11 घंटे लेट चलने लगी है। कटिहार से नई दिल्ली का मूल किराया इसमें 1456 रुपये है। जब हमने 7 मई आज की शाम चेक किया तो डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के कारण 14 मई का किराया इसमें 2155 रुपये दिखा रहा है। 4 मई को यह ट्रेन दिल्ली से कटिहार के लिए निकली। अब भीतर का हाल देखिए, कटिहार पहुंचते पहुंचते 30 घंटे देर हो गई। नई ट्रेन के भीतर का हाल है, लगता है कोई पुरानी ट्रेन है। तो
कारण क्या है? कारण ये है कि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। हम रात को कल 4 बजे आए हुए थे, अभी शाम को 4 बजे हो गए, 24 घंटे से बैठे मेरे साहब चलेगी नहीं है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, किसी में नहीं मिलती तो लेना पड़ता टिकट। सुबह से जो वेट कर रहे हैं प्लेटफार्म पे, अब 12 घंटा से बताइए कहाँ से आया, कितना परेशान है। और जो भाड़ा जो बढ़ाए हुए हैं, हम सफर तो दिल्ली कब उतारेंगे? हमको तो उम्मीद नहीं लगता कि दिल्ली है जो कल उतार देंगे, ये बुधवार को करीब रात में उतारेंगे। दिन में 3 दिन का सफर है, उचित टाइम से आ जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो 10-11 घंटा हो गया। रात से परेशान बैठे हैं, 10-11 घंटे लेट हो गया गाड़ी, बच्चे से परेशान है गर्मी में। 5 बजे के लगभग का टाइम था और शाम के 4 बजे का दिखा रहे हैं, तो 5 बजे से 4 बजे तक तो ये समझ लो कि 11 घंटा तो हो ही गया। पहली बार तो चले हैं, पहली बार में ही देखिए 5:40 में आए हैं सवेरे जी, और इसमें खबर दे देना चाहिए था मोबाइल पर, कोई खबर नहीं दिया। सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको मालूम है, कुछ कहना इसीलिए किसी को नहीं। उम्मीद था कि सफर अच्छा कटे, लेकिन आज देख रहे हैं कि 10 घंटा लेट है, तो उम्मीद तो खत्म कर रहा है। मतलब हम सफर का माने कि 7 देने वाला, लेकिन 7 तो छोड़ रहा है ही, तो आगे देखते हैं कहां तक क्या होता है। चंपारण सत्याग्रह का 100 साल होना कितनी बड़ी घटना है। इस मौके पर चलाई गई ट्रेन अगर महीने भर के भीतर रेंगने लगे और उसकी विश्वसनीयता कमजोर हो जाए, तो आप खुद से पूछिए कि क्या हम इस तरह से गांधी के संघर्षों को याद कर रहे हैं। जब समय पर नहीं चला सकते तो इस ट्रेन को चलाने की जरूरत क्या थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार से दिल्ली आने वाली ट्रेनें या दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं। हमने अभी आपको गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस का हाल बताया जो 6 मई के दिन 44 घंटे लेट हो गई थी, इस कारण कैंसिल हुई। 12558 जम्मू गोबर गोरखपुर एक्सप्रेस 5 मई को रात 10:45 पर जम्मू से रवाना होने वाली थी, लेकिन यह ट्रेन 24 घंटे की देरी से 6 मई को रात 10:50 पर रवाना हुई। न्यू दिल्ली जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 6 मई को दोपहर 3:05 पर रवाना होने वाली थी, लेकिन यह ट्रेन खुलती है 7 मई की सुबह 11:15 पर 20 घंटे की देरी से। अब एक ट्रेन का हाल बताता हूँ। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वीकली सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन है 02112, इसका हाल देखिए। इस ट्रेन को 2 मई को दोपहर 3 बजे खुलना था, लेकिन खुलती है ये ट्रेन 3 मई को 24:25 की देरी से। लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए रवाना होती है यह ट्रेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंच ही नहीं पाई, इसकी यात्रा कल्याण में समाप्त कर दी गई। कल्याण पहुंचते 27 घंटे लेट हो चुकी थी। हमने रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा कि लेट चलने से परेशान यात्री उन्हें क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। हमने जाकर देखा तो 7 मई की शाम कोई 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच 65 के करीब लोगों ने ट्वीट किए थे, जिसमें देरी की शिकायत है। देवेंद्र खरे ने ट्वीट किया है कि सर हम जम्मू तवी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं, 25 घंटे लेट है, हमें मजबूरी में जम्मू 24 घंटे अलग से रुकना पड़ा, मुझे काम पर लौटने में देरी हो रही है। एक अरुण जायसवाल है, उन्होंने ट्वीट किया है कि डियर रेल मिनिस्टर इंडिया, नींद से जागिए, ट्रेन नंबर 05228 34 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो चुकी है। इस ट्रेन के कारण ट्रेन नंबर 15228 30 घंटे से अधिक लेट हो चुकी है, पिछले कुछ महीनों से यही हो रहा है, कुछ कीजिए। अंशु जो हैं वो लिखते हैं कि डियर सर, मैं आपके मंत्रालय में किए जा रहे काम से खुश हूं, लेकिन आपका ध्यान ट्रेन नंबर 15025 पर दिलाना चाहता हूं जो मऊ से आनंद विहार आती है, यह ट्रेन 22 घंटे 50 मिनट की देरी से चल रही है। शिवांश हैं जो वो ट्वीट करते हैं कि सर ट्रेन नंबर 12685 चेन्नई से मंगलोर सुपर फास्ट एक्सप्रेस चेन्नई से शाम 5 बजे की जगह रात 10:15 खुलने वाली है, क्या आप कारण का पता लगाकर मुझे सूचित कर सकते हैं, वेरी गुड। पवन मशहूर कार्टूनिस्ट हैं पटना के, हिंदुस्तान अखबार के लिए उनके बनाए कार्टून का एक नमूना आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें देरी से चल रही ट्रेन की व्यथा है। आप इस कार्टून को देखिए और महसूस कीजिए कि अगर आपकी ट्रेन 24 घंटे से लेकर 44 घंटे तक देर होगी तो आपको क्या लगेगा, आप किस तरह से अपनी व्यथा को जाहिर करेंगे। अभी अभी एक किसी ने मैसेज किया है कि 12355 अर्चना एक्सप्रेस 5 मई को पटना से 5 घंटे लेट चली और 11 घंटे लेट 7 मई को जम्मू पहुंची है। तो ये हाल है कि इस तरह से जिन्ना पर बहस करते चले जाइए, आपका वक्त कट जाएगा। ये टॉपिक भटकाने वाला, जिस तरह से टॉपिक हर चुनाव के समय आते हैं, नेशनल सिलेबस है ये, हिंदू मुस्लिम टॉपिक का अलग अलग आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम फ्रेम में, जिस पर बहस होती है। ब्रेक के बाद हम कर्नाटक चुनाव के कुछ भाषणों का जिक्र करेंगे।